हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल के बारे में और उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की लीड्स के बारे में। मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का, क्योंकि काफ़ी पतली होती है और हमको शार्प भी नहीं करना होता, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में काफ़ी अच्छे शेडिंग हो पाती है। और अगर कोई डिटेल वर्क बनाना हो, कुछ इस तरह का अगर वर्क बनाना हो, तो भी मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छे शेडिंग वगैरह हो पाती है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे आप 0.3 की कौन सी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हो, येलो वाली कौन सी पेंसिल है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा। सो ये तीन लीड्स हैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल की, जो कि मैंने अभी मंगवाई हैं हॉबीक्राफ्ट इंडिया से। HB, B और 2B तीन ग्रेड्स हैं इसमें, 15 तीनों में है। और इसका प्राइस है 300 और ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाती है। तो ये मैकेनिकल पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ 0.3 की, सकुरा की मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, और इसका प्राइस है 165 रुपीज़। तो 165 रुपीज़ की मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंसिल है ये। पहले मेरे पास ये वाली लीड थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, और मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क्स में आजकल कर रहा था, तो उसमें मैं इनको यूज़ कर रहा था और काफ़ी जल्दी ही ख़त्म होगी, तो इसलिए मैंने पेंटेल की मंगा ली। तो अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है तो पहले इसको निकाल लेते हैं। सो अब इसमें से लीड्स निकालते हैं, तो ये इस तरह से घूमता है, इसका ओपन नहीं होता पूरा अच्छे से, तो यहाँ पर से लीड निकल जाएंगी। तो ये हैं इसकी लीड्स, काफ़ी पतली हैं, ध्यान से निकालना पड़ेगा नहीं तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं ये। बाकी में भी इसी तरह की पतली पतली लीड्स हैं, HB, B और 2B। HB सबसे लाइट है, उसके बाद B, उसके बाद 2B डार्क है। अब टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से शेडिंग हो पाती है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी HB। नाउ आई एम यूजिंग B, जो कि इससे थोड़ी सॉफ्ट होगी। HB और B में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बट थोड़ी सॉफ्ट है B। नाउ लेट्स ट्राई 2B। तो इसमें ऐसा नहीं है जैसे हम नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं 2B वाली, वैसे ये बिल्कुल डार्क शेडिंग करेगी, क्योंकि ये मैकेनिकल पेंसिल है वो भी 0.3 की, तो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं होगी, बट काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है HB से और B से। सो हाँ, 2B इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है और थोड़ी बहुत डार्क भी लग रही होगी आपको। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये 0.3 की जो मैकेनिकल पेंसिल है ये लिखने के लिए नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी छोटा दिखेगा। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, तो छोटा सा दिखता है और आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, बट आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कर देना उसको। बट जो नॉर्मल हम पेंसिल यूज़ करते हैं जैसे कि 0.5, 0.7, 2.0, तो वो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ ओनली ड्राइंग में ही होता है। अगर डिटेलिंग ड्राइंग करनी हो, हैचिंग करनी हो, छोटी हल्की हल्की लाइंस आपने ऑप्ट करनी हो, जिस तरह से आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं ड्राइंग में करता भी हूँ, क्योंकि इससे लगता है कि आपने शेडिंग ही करके, क्योंकि काफ़ी पतली पतली लाइंस होती हैं और शार्प भी नहीं करना पड़ता है, हम एक ही लैब में बिल्कुल स्मूथली शेडिंग कर पाते हैं। बट नॉर्मल पेंसिल में हमको बार बार शार्प करना पड़ता है, तो उसकी जो लीड है वो कभी पतली हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है, तो शेडिंग में डिफरेंस होता है, बट इसमें सेम ही होती है कम्प्लीट। सो हाँ, इसीलिए मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ डिटेलिंग वर्क के लिए। काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करते, वो सिंपल पेंसिल से बना लेते हैं, तो वो आपके डिपेंड करता है, आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इसे शेडिंग करना। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं बस यही 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल और इन लीड्स का यूज़ कर रहा हूँ अब, और 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना आप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 0.3 की तो मेरे पास एक ही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।